पर संघ हूँ। आज मैं जो दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, जो कलकत्ता में मैं बहुत जगह घूमी हूँ उसका अलग अलग आप लोगों के पास वीडियो भेजा गया है। आप भी मैं जो जहाँ पे जा रही हूँ वो है, देखिए ये गाड़ी में हम लोग जाए हैं मायापुर। तो ये जो मायापुर जा रही हूँ, ये मायापुर में जो जो है सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फिलहाल हम लोग धर्मतला से लेके मायापुर जा रही हूँ, तो ये बस हम लोग का छेड़ेगा और मायापुर पहुँचाइएगा। उसके बाद मायापुर में जो जो मंदिर आ जहाँ जहाँ जाऊंगी जरूर आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए हम लोग मायापुर पहुँच चुके हैं। हम लोग मायापुर पे आके यहाँ पे शायद हम लोग रुकने वाले हैं। यहाँ पे रुक के सारे जो जो मायापुर में मंदिर है वहाँ पे घूमूंगी, जरूर आप लोगों को दिखाऊंगी कौन कौन सा मंदिर में मैं घूम रही हूँ। देखिए हम लोग राम भट्ट के यहाँ पे भगवान के पास आई हूँ, जहाँ पे यहाँ रहने के बाद हम लोग जो प्रसाद दिया जाता है, यहाँ पे प्रसाद वितरण होते हैं। जो भी बंदा आते हैं सब यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं, इसके लिए कोई मना नहीं है कोई भी। देखिए यहाँ पे कितना सारे यहाँ पे प्रसाद, सब बंदे ने यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद में क्या क्या है वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखते जाइए। देखिए ये सारे प्रसाद के खाना है, महाराज लोग ये प्रसाद सबको दिया जाएगा। यहाँ पे चावल है, सब्जी है, रबी की सब्जी है, यहाँ पे देखिए खीर है और वहाँ पे भी सब है। बहुत सारे प्रसाद यहाँ पे हैं, कोई भी आए यहाँ पे सबको ये प्रसाद खिलाया जाता है, देखते जाइए। और यहाँ कहीं पे भी आइए ये गाना आपको सुनाई देगा। यहाँ के प्रसाद वितरण जो हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ पे भोग जो बोलते हैं वो आप ले सकते हैं, कभी भी आइए यहाँ पे। तो ये है मायापुर की, यहाँ पे रुकिए और यहाँ पे प्रसाद भी लीजिए। तो आप ही यहाँ बाद में फिर आपको दिखा रही हूँ फिर हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। देखिए मायापुर में आप जब भोग लीजिएगा, अगर आपका घुटने में दर्द है या नीचे बैठ के भोग नहीं ले सकते तो उनके लिए अलग सा बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है। ये जो महाराज लोग यहाँ पे अलग से सारे सब्जी सब कुछ जो जो प्रसाद है सारे प्रसाद को ऐसा करके जिसको नीचे बैठने में दिक्कत है उनको ऐसा करके बैठ के खिलाते हैं। और देखिए यहाँ पे एक साथ पूरा एक साथ, देखिए एक साथ कितने बंदे को प्रसाद खिलाया जा रहा है। देखिए तो कभी भी आप मायापुर में आए तो ज़रूर यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे रहने का खाने का सारे बंदोबस्त बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से आपका हो जाएगा, उसके बाद मंदिर के दर्शन भी। देखिए अभी हम लोग रामहट्ट में जहाँ हम लोग रुके हुए हैं, यहाँ पे अगर आप लोग आना चाहते हैं तो 250 से लेके 2500 तक आपको रूम मिल सकते हैं। सोचिए आपका इतना पैसा किसी के पास है नहीं, इतना खर्च नहीं कर सकते, मगर वो कभी मत सोचिए
ये हम मायापुर में आएंगे नहीं, इतना पैसा मेरे पास है नहीं। उनके लिए अगर आपके पास कम है तो आपको रहने के लिए यहाँ सिर्फ 25 रुपया देना पड़ेगा। रहने के लिए यहाँ पे एक एक बेड मिलेगा, बेड पीछू यहाँ पे 25 रुपया देना पड़ेगा। और इनके लिए भी नहाने का जाएगा, वॉशरूम सब कुछ दिया गया है, वहाँ वो यूज कर सकते हैं। तो ये है रामहट की जगह, बहुत सुंदर। और यहाँ पे प्रसाद तो आप लोगों के लिए सबके लिए है। फिर हम अभी जहाँ जाएंगे वहाँ दिखाएंगे और क्या क्या है ये कृष्ण जी के दर्शन करने। देखिए अभी हम लोग मंदिर के अंदर जा रही हूँ, तो मंदिर के जाने से पहले यहाँ पे लिखा है शंख भवन और पद्म भवन। तो पद्म भवन और शंख भवन में यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, तो जाने के रास्ता इसके अंदर से है। तो आइए हमारे साथ, हम दिखा देंगे मंदिर कैसे। देखिए हम लोग जहाँ पे आया है, ये मंदिर माने जो मेन मंदिर है वो ये है। जहाँ पे जाते ही अभी भगवान को दर्शन मिलेगा, मगर इनके लिए जो अपना मंदिर तैयार हो रहा है ये हो रहा है, ये बहुत साल से हो रहा है, अभी भी इसका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। 2023 में इसका ओपनिंग होने वाला है, मगर इसका भी जो काम चल रहा है मैं फ्रंट से आपको दिखाऊंगी ये भी मंदिर कैसे बन रहे हैं। अभी फिलहाल मैं भगवान के पास जा रही हूँ, आप लोग भी हमारे साथ चलिए। देखिए ये रामहट की मंदिर है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। जो देखिए यहाँ से पूरा